दोस्तों, आज मैं पाकिस्तान टेलीविज़न इंडस्ट्री और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की उस सब्ज़ आँखों वाली सदाबहार अदाकारी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि फनी अदाकारी और सदाकारी से तकरीबन साबका 3 दहाइयों से जुड़ी हुई हैं और उन्होंने हमेशा अपने चाहने वालों को अपनी अच्छी और म्यारी एक्टिंग से महजूज किया है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ लेजेंड मशहूर अदाकारा सदाकारा लैला ज़ुबैरी की। अदाकारा लैला ज़ुबैरी 18 अगस्त 1957 को कराची में पैदा हुई। आपके वालद मोहतरम का नाम जमील ज़ुबैरी था और आपके वालद रेडियो पाकिस्तान कराची पर एक अहम ओहदा पर फायज रह चुके थे। आपकी एक बहन बेला भी हैं जो कि सदाकारी और अदाकारी कर चुकी हैं। दोस्तों, अगर बात करें अदाकारा लैला ज़ुबैरी की एजुकेशन की, तो उन्होंने अपनी इब्तदाई तलीम और फिर ग्रेजुएशन कराची से ही की। आप और आपकी बहन बेला ने तकरीबन 9 साल की उम्र में रेडियो पाकिस्तान कराची के प्रोग्राम स्टूडेंट ब्रॉडकास्टिंग से अपने फन अदाकारी का आगाज किया और बाद में रेडियो पाकिस्तान के स्टूडियो 9 में बनने वाले ड्रामों में अपनी सदाकारी के जौहर भी दिखाए। लैला ज़ुबैरी ने रेडियो पाकिस्तान कराची में बतौर सदाकारी तरबियत भी हासिल की कि कैसे डायलॉग बोलना है, कहाँ आवाज़ का ऊंचा नीचा करना है। दोस्तों, अब बात करते हैं लैला ज़ुबैरी अदाकारी की तरफ कैसे आई। मरूफ कंपेयर निदा पाशा के वालद, जिनका नाम काजन पाशा है, वो एक मशहूर और मरूफ ड्रामा डायरेक्टर और ड्रामा प्रोड्यूसर हैं। जब उनकी पोस्टिंग पीटीवी क्वेटा टेलीविजन सेंटर पर कर दी गई, तो काजन पाशा को क्वेटा में फीमेल अदाकारा नहीं मिल रही थी जो उनके ड्रामों में काम कर सकें। दूसरी तरफ लैला ज़ुबैरी शादी के बाद क्वेटा में मौजूद थीं और वहां पर टीचिंग भी किया करती थीं। लैला ज़ुबैरी के क्वेटा में रहने की वजह ये थी कि उनके शोहर आर्मी में थे और उनकी पोस्टिंग क्वेटा में हुई हुई थी। लैला ज़ुबैरी की बड़ी बेटी किरण ज़ुबैरी अपने स्कूल के हर वैरायटी प्रोग्राम में भी हिस्सा लिया करती थीं और अपनी अदाकारी की वजह से ही वो स्कूल में बहुत मशहूर थीं। और उन्हें किसी ने बताया कि एक लड़की किरण ज़ुबैरी बहुत ही अच्छी परफॉर्मर हैं, तो वो किरण ज़ुबैरी को ढूंढते हुए लैला ज़ुबैरी के घर पहुंच गए। जब उन्होंने किरण ज़ुबैरी की वालदा को देखा तो माजी की यादों में खो गए, क्योंकि पाकिस्तान टेलीविजन के एक ड्रामा उमर मारवी में लैला ज़ुबैरी मरहूम रूही बानो के बचपन का रोल अदा कर चुकी थी और उस ड्रामा में काजम पाशा भी बतौर एक्टर काम कर चुके थे। काजम पाशा ने लैला ज़ुबैरी की बेटी किरण ज़ुबैरी को क्वेटा के बच्चों के प्रोग्राम के लिए कास्ट कर लिया और लैला ज़ुबैरी को ड्रामा आबरू में लीड रोल के लिए ऑफर कर दी। लैला ज़ुबैरी ने कहा कि मैं अपने शोहर से मशवरा करूंगी और उनकी मर्जी के बगैर ड्रामा आबरू में काम नहीं कर सकती। ड्रामा आबरू पीटीवी से ऑन एयर हुआ। लैला ज़ुबैरी के चंद मकबूल मशहूर ड्रामों की बात करें तो उनमें कोशिश, छांव, मोहब्बत अब नहीं होगी, पानी की आएगी बरात, उडारी, आशना, बागी, पुकार वगैरह शामिल हैं। लैला ज़ुबैरी ने 2 फिल्मों में भी काम किया जिनके नाम कुछ इस तरह हैं, तेरी मेरी लव स्टोरी। आखिर पर बात करते हैं लैला ज़ुबैरी की अज़्दवाजी ज़िंदगी की। आपकी मंगनी आपके कज़न तारिक से उस वक्त हुई जब आप सिर्फ मैट्रिक में पढ़ती थी और फिर इंटर करने के बाद आपकी शादी हो गई। आपके शोहर तारिक आर्मी फीसर थे जो कि आप रिटायर्ड हो चुके हैं। लैला ज़ुबैरी की औलाद की बात करें तो उनकी 2 बेटियां हैं, एक का नाम किरण ज़ुबैरी और दूसरी का नाम तानिया ज़ुबैरी है। और आपकी दोनों बेटियां ही कोटा सीरियल का ड्रामा कोशिश में अदाकारी के जौहर दिखा चुकी हैं। आपकी बेटी किरण दुबई में और जबकि तानिया तुर्की में शादी के बाद सेटल हो चुकी हैं। लैला ज़ुबैरी कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल हो चुकी हैं और वहीं पर ही रहती हैं। दोस्तों, ये थी पाकिस्तान टेलीविजन की लेजेंड अदाकारा लैला ज़ुबैरी की कहानी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो या वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें अपना प्यार दीजिए। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और उसके बाद हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का भी बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। मौजूदा सब्सक्राइबर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना वक्त निकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियोस पर देते हैं। हमारी पॉलिसी है कि हम आपके कमेंट्स को अपनी अगली वीडियोस में शामिल करते हैं।
दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।